हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल आज हम बात करेंगे इंडिया सेफेस्ट एफोर्डेबल हाजपेक के बारे में टाटा टियागो फोर्थ जनरेशन का फेस्लिफ मॉडल आप ये देख रहे हैं जो मिलता है आपको इलेक्ट्रिक सीएनजी एंड पेट्रोल वेरिएंट्स के साथ 26 सिक्स वर्जन मिलते हैं आपको इधर शुरू होता है छह लाख पंद्रह हजार रुपये से लेकर बारह लाख पैंसठ हजार रुपये तक ऑन रोड प्राइस न्यू डेली ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं बेस मॉडल एक्सी जो पड़ेगा आपको ऑन रोड छह लाख पंद्रह हजार रुपये का सीएनजी के साथ पड़ेगा आपको सात लाख पच्चीस हजार रुपये का इलेक्ट्रिक वर्जन भी ले सकते हैं आप जो आता है मीडियम रेंज के साथ उसका प्राइस पड़ेगा आपको नौ लाख दस हजार रुपये का यहाँ पे मिलती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल ट्रा एरो डिजाइन थीम मिलता है आपको इस फ्रंट ग्रिल पे ऊपर मिलेगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश आप देख सकते हैं नीचे मिलता है आपको क्रोम इंसर्ट एंड इसके बीचों बीच मिलता है आपको टाटा का लोगो लोअर ग्रिल मिलती है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है आपको टोइंग हुक फॉग लैंप आप एक्सेसरी में लगवा सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको ग्रॉसी ब्लैक इंसर्ट मल्टी रिफ्लेक्टेड हेडलैप्स मिलते हैं आपको इधर हैलोजन बल्ब के साथ ये इसका टर्न इंडिकेटर इंडिपेंडेंट लोअर विशपोन विद मैकपेसन डोल प्लास्ट्रट का फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा पीछे मिलता है आपको रेयर स्प्रिंग विद कॉल स्प्रिंग माउंटेड ऑन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स का सस्पेंशन दो सिंगल ब्रेड वाइपर्स मिलते हैं आपको दो वॉशेस के साथ इतने साइज की मिलेगी आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड ए पे मिलता है आपको बॉडी कलर मार्ट ब्लैक फिनिश में मिलेगा आपको ओ आर वी एम ये बेस मॉडल है तो आपको टन इंडिकेटर मिलेगा फेंडर पे और इधर मिल जाते हैं आपको सिल्वर स्टील व्हील्स व्हील कवर्स का फीचर नहीं मिलता आपको इधर एलॉय व्हील्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं फ्रंट में डिस्क एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स का फीचर मिलता है आपको हर एक मॉडल के साथ यहाँ पे मिलता है आपको हब कैप का फीचर टायर प्रोफाइल मिलता है आपको इधर वन सेवेंटी फाइव बाई सिक्सटी फाइव आर फोटीन रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे आपको इधर आगे और पीछे मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं आपको आउटसाइड डोर हैंडल्स बी पे मिलता है आपको बॉडी कलर और ऐसा दिखता है इसका रूफ रूफ रेल्स आप एस में लगवा सकते हैं यहाँ पे एंटीना का भी फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी सिस्टम नहीं मिलता इंटीग्रेटेड वेयर स्पॉयलर मिलता है आपको स्पॉयर एक्सटेंशन के साथ जो मिलता है आपको ग्रॉसी ब्लैक फिनिश में दोनों साइड यहाँ प्ले स्टेज का एलईडी हाई माउंट स्टॉप लैम सराउंडिंग मिलेगी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में रियर डी फॉगर वाइपर या वॉशर का फीचर नहीं मिलता आपको बेस मॉडल में टाटा का लोगो उसके नीचे टियागो की बैजिंग और यहाँ से खोल सकते हैं आप बूट को और यहाँ पे मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ टेल लाइट्स यही टेल लाइट्स आपको हर एक मॉडल में मिलती है कुछ ऐसा डिजाइन मिलता है आपको इन टेल लाइट्स का जो आपको हर एक मॉडल में देखने को मिल जाएगा चाहे आप कोई सा भी वेरियंट लें रियर बंपर मिलता है आपको ब्लैक इंसर्ट के साथ मैट ब्लैक फिनिश देखने को मिल रहा है इधर दो रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रेयर बंपर पे चार नहीं मिलेंगे ये भी फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड राइट हैंड साइड पे है इसका एक्सॉट पाइप एक 170 सौ सत्तर एम का ग्राउंड क्लियरस मिलता है आपको टियागो के पेट्रोल वेरियंस के साथ और ऐसा मिलेगा आपको इसका कंप्लीट रेयर प्रोफाइल लुक टाटा टियागो के बेस मॉडल का वारंटी की बात करें तो दो साल या पचहत्तर हजार किलोमीटर की वारंटी मिलती है आपको इधर जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू फोर और फाइव ईयर्स डीलर के थ्रू आइए इसका बूट खोल के देखते हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रो बटन का फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि यह बेस मॉडल आगे मिलता है आपको एक लीवर इधर से आप बूट को खोल पाएंगे और इधर मिल जाता है आपको 242 हंड्रेड का बूट स्पेस टाटा टियागो में कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट बॉक्सी टाइप शेप में मिलता है आपको इसका बूट स्पेस वेयर पार्सल ट्रे के लिए आपको प्रोविज़न मिल जाएगा आप लगवा सकते हैं एज एसेसरी लेकिन स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं मिलती आपको इधर मिलता है आपको प्रोविज़न यहाँ पे मिलता है आपको शॉपिंग हुक मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी थ्री के की एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो वहाँ पे भी आपको शॉपिंग हुक का फीचर मिलेगा थ्री के का इतना कुछ स्पेस मिल जाता है आपको इधर टायर पंचर रिपेयर किट का फीचर मिलता है आपको हर एक मॉडल के साथ ये इसकी टूल किट एंड इसकी लोडिंग लिप की बात करें तो कुछ इतनी मिलती है आपको लोडिंग लिप जो काफ़ी ज़्यादा हाई है हाच पैक होने की वजह से भारी सामान को उतारने या चढ़ाने में आपको दिक्कत हो सकती है इधर मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर जो मिलता है आपको वन फिफ्टी फाइव बाई ए टी थर्टीन का थर्टीन इंच का टायर मिलेगा आपको हर एक मॉडल के साथ रेशियो आप पढ़ सकते हैं और यहाँ मिलता है आपको ब्लैक स्टील व्हील सिल्वर स्टील व्हील नहीं मिलता एंड आप सेकेंड रो की सीट्स को बेंच फोल्ड भी कर सकते हैं और ज़्यादा बूट स्पेस पाने के लिए इधर मिलते हैं आपको दो नॉब्स इससे आप बेंच फोल्ड कर पाएंगे कुछ इतना मिल जाता है आपको टोटल बूट स्पेस बेंच फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मिलती है आपको पार्टिंग एमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता आपको इधर इधर मिलता है आपको ग्रैब हैंडल बूट को बंद करने के लिए आइए इसको बंद कर देते हैं आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको डुअल टोन में डो पार्डिंग लाइट ग्रे प्लस ब्लैक की डो पार्डिंग मिलेगी आपको इधर यहाँ पे मिलता है आपको ट्विटर के लिए प्रोविजन आप एसेसरी में लगवा सकते हैं लॉक एंड लॉक बटन ब्लैक एंड साइड डोर हैंडल और यहाँ पे मिलेगा आपको मैनुअल विंडो का फीचर स्पीकर के लिए मिलता है आपको यहाँ पे प्रोविजन आप लगवा सकते हैं एज अ एसेसरी डो पॉकेट वन लेटर वाटर होल्डर के साथ डोर माउंटेड आमरिश पे मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक जो मिलता है आपको ब्लैक फिनिश में यूटिलिटी स्पेस रेयर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है आपको दोनों रेयर डोर्स पे और ऐसे दिखता है इसका सेकंड रो फैब्रिक सीट पोस्ट्री मिलती है आपको ट्रायर और डिजाइन थीम के साथ कुछ ऐसी मिलती है आपको सीट्स अंडर थाई सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है इंटीग्रेटेड हेडवेट्स मिलते हैं आपको दो रेयर में आमरिस्ट का फीचर नहीं है ट्रायर और डिज़ाइन थीम मिलता है आपको इन सीट्स पर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर अंडर थाई सपोर्ट एंड साइड बोल स्विंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलती है वाइस सीटिंग का काम देखने को मिल रहा है इन सीट्स पे चौबीसों एम एम का व्हील बेस मिलता है आपको टाटा टियागो में यह मैक्सिमम लेग स्पेस ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है और यह है मिनिमम लेग स्पेस पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे है कुछ इतना हम मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हम्प मिलता है आपको मिडिल सेक्शन में आई गाड़ी के अंदर चलते हैं रेयर एसी इवेंट्स का फीचर नहीं मिलेगा यहाँ पे मिलता है आपको एक बिग साइज़ का कप होल्डर एंड बिग साइज नहीं मिलता आपको मिडिल सेक्शन में हम तीन लोग यहाँ पे आराम से बैठ नहीं पाएंगे एडजस्टेबल हेड्रेस मिलते हैं आपको फॉर द फ्रंट रो सीट्स फिक्स सीट बेल्ट मिलेगी और यहाँ पे मिलते हैं आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल कोटुक का फीचर नहीं है एक मिलता है आपको फ्रंट पैसेंजर साइड पे और एक यहाँ पे बैक पॉकेट की बात करें तो दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे आपको बैक पॉकेट का फीचर नहीं मिलता इस मॉडल में यहाँ पे मिलती है आपको रीडिंग लाइट जो मिलेगी आपको एल में बेस मॉडल में भी आपको एल रीडिंग लाइट मिलती है ऐसा देखिएगा इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूल टोन इंटीरियर थीम जो मिलेगी आपको हर एक मॉडल में लाइट ग्रे प्लस ब्लैक स्पोर्टी इंटीरियर थीम मिलता है आपको टाटा टियागो के हर एक मॉडल के साथ आई गाड़ी के बाहर चलते हैं ऐसी मिलती है आपको इसकी साइड प्रोफाइल लेंथ मिलेगी आपको थ्री सेवन सिक्स फाइव वेट है वन सिक्स डबल सेवन हाइट है वन फाइव थ्री फाइव एंड व्हील बेस है ट्वेंटी फोर हंड्रेड एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको वन सेवेंटी एम एम टर्निंग रेडियस है फोर पॉइंट नाइन मीटर्स कव वेट डिपेंड करेगा वेरियंट टू वेरियन पे इसका कव वेट है नौ सौ पैंतीस किलो का एनसीएन जी के साथ मिलेगा आपको एक हजार चालीस किलो का कव वेट एंड बेस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको डुअल फ्रंट ए बैग्स ए बी एस विदीबीडी कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल रेयर पार्किंग असिस्ट सेंसर्स सीट बेल्ट रिमाइंडर विद बजर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स रेयर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक एमोबिलाइजर पंचर रिपेयर किट डोर अजार की लेफ्ट लो फ्यूल एंड हेडलाइट ऑन वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको टाटा टियागो के बेस मॉडल में ग्लोबल एंड कैप में मिले इसको फोर स्टार की रेटिंग पॉइंट्स मिले इसको ट्वेल्व पॉइंट फाइव टू के आउट ऑफ सेवन फॉर द एडल्ट ऑक्यूपेंसी चाइल्ड में मिले इसको थर्टी फोर पॉइंट फिफ्टीन के पॉइंट्स आउट ऑफ फोर्टी नाइन एंड कैबिन इंटेग्रिटी का रिजल्ट आया अनस्टेबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो बनी है टाटा एक्सो प्लेटफॉर्म पे इसी प्लेटफॉर्म पे बनते हैं टाटा टिगोर एंड टाटा नेक्सॉन फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलेम का सेटअप मिलता है आपको टाटा टियागो के बेस मॉडल में जो मिलेगा आपको एहलोजन बल्ब में एंड टर्न इंडिकेटर भी आपको एलोजन बल्ब के साथ मिलता है फेंडर पर मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर ओ आर वी एम पर नहीं मिलेगा बेस मॉडल में फॉलो मी होम हेडलेम का भी फीचर नहीं मिलता आपको बेस मॉडल के साथ ऐसी मिलेगी आपको इसकी लो बीम प्रोफाइल और यह है हाई बीम प्रोफाइल इस हेडलेम यूनिट की स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है आपको टाटा टियागो में ये इंडिया की मोस्ट एफोर्डेबल सेफेस्ट हैचपैक है एज ऑफ नाउ 2016 में लॉन्च हुई थी, थी सबसे पहले टाटा टियागो इंडिया में सनंद गुजरात इंडिया में इसकी असेंबली होती है टाटा टियागो की एंड इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी आता है टाटा टियागो एनआर के नाम से उधर आपको बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है उधर भी आपको सी एंड पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा एंड रिसी लॉन्च हुए टाटा टियागो ई जो आपको एक्सी मॉडल के साथ भी अवेलेबल हो जाएगी उधर मिलता है आपको मीडियम रेंज का फीचर यहाँ पे रेंज मिल जाएगी आपको टू किलोमीटर्स की लॉन्ग रेंज में मिलती है आपको थ्री हंड्रेड फिफ्टीन किलोमीटर की यहाँ मिलते हैं आपको टोटल फाइव कलर ऑप्शन ओपल व्हाइट कलर आप ये देख रहे हैं इसके अलावा आपको मिलेगा फ्लेम रेड मिड नाइट प्लम डेटोना ग्रे एंड एरिजोना ब्लू जैसे कलर ऑप्शन आप कोई भी चूज कर सकते हैं और ऐसे देखते हैं इसकी टेल लाइट्स ऑन होने के बाद विट टन इंडिकेटर ये मिलती है आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही हर एक मॉडल में चाहे आप ईवी वेरिएंट लें एनआरजी लें या टाटा टियागो का सीएनजी या पेट्रोल वेरिएंट यहाँ मिलती है आपको दो स्टैंडर्ड कीज सेंटर लॉकिंग का फीचर नहीं मिलता आपको बेस मॉडल के साथ आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं डोल डोर में मिलती है आपको डोर पार्डिंग लाइट ग्रे प्लस ब्लैक मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है आपको इसका लॉक अनलॉक बटन एंड लॉकअनल डोर हैंडल ऐसी डोर माउंटेड आमरेज पे भी मिलती है यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा ब्लैक फिनिश में इधर भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा डो पार्डिंग पे ये जॉयस्टिकार बीम को कंट्रोल करने के लिए जो आपको करना पड़ेगा मानवली क्योंकि ये बेस मॉडल यहाँ पे मिलती है आपको मानवल विंडो साथ में मिलता है आपको प्रोविजन स्पीकर को लगवाने के लिए एज एसेसरी डो पॉकेट वन लीटर पॉटल होल्डर के साथ बिग साइज की डो पॉकेट्स मिलती है आपको आगे और पीछे और ऐसा मिलता है आपको इसका इंटीरियर लुक ड्राइवर साइड से ड्यूल टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम हर एक मॉडल के साथ लाइट ग्रे प्लस ब्लैक जो लगती है काफी ज्यादा स्पोर्टी एंड शानदार और यहाँ मिलती है आपको फाइन क्वालिटी की फैब्रिक सीट टोस्टी टो टायर और डिजाइन थीम मिलता है आपको इधर लाइक रेयर सीट्स बोस्टिंग काफी ज्यादा बढ़िया मिलती है आपको अंडर थाई सपोर्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है टाटा टियागो की सीट्स पे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है रिक्लाइन के लिए और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड ड्राइवर सीट को और यहाँ मिलता है आपको टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन ड्राइवर साइड पे ये इसका कैबिन लुक आगे मिलते हैं आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे मिलेंगे आपको दो फिक्स हेडरेस्ट फाइव सीटर कॉन्फिग्रेशन सेटअप मिलता है आपको टाटा टियागो में लेकिन आराम से चार लोग ही बैठ पाएंगे इस कैबिन में और ऐसे देखता है इसका ड्राइवर साइड से लुक यहाँ पे मिलता है आपको सराउंडिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इस वेंट के यहाँ पे क्रोम एक्सेंट यहाँ मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक इधर है यूटिलिटी स्पेस ड्राइवर साइड पे यहाँ से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को ये इसकी पैडल पोजिशनिंग डेड पेडल भी मिल जाता है आपको टाटा टियागो के बेस मॉडल में और यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल फ्यूलिड एंड बूट को आई गाड़ी के अंदर चलते हैं ऐसा मिलता है आपको इसका कैबिन लुक ड्राइवर सीट से जिसको आप हाइट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे थ्री स्पोक पावर स्टेरिंग व्हील मिलता है आपको फ्लैट बॉटम डिज़ाइन के साथ यहाँ मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटीरियल थम कंट्रोर पियानो ब्लैक फिनिश का, का काम देखने को मिल जाता है इधर यहाँ पे टाटा का लोगो और इसके हॉर्न पैट्स जो मिलते हैं आपको दोनों साइड स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का फीचर नहीं मिलता आपको बेस मॉडल में एंड स्टेरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट वे में आप कर पाएंगे टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं मिलता आपको टियागो में यहाँ पे है लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड हाई बीम को भी आप इधर से एडजस्ट कर पाएंगे स्नॉप के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड पर है वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाता है आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हर एक मॉडल के साथ चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल आइए गाड़ी कॉन कर लेते हैं ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो लगता है काफी ज्यादा शानदार यही क्लस्टर आपको टाटा नेक्स में भी देखने को मिल जाता है एंड टाटा टिगोर में लेफ्ट हैंड साइड पे आर पी मीटर यहाँ पर टेम्परेचर मीटर उसके नीचे मिलता है आपको फ्यूल मीटर डिजिटल स्पीड और ये टोटल नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स कई सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है यहाँ से जो आप नॉप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे डिजिटल टाइम और यहाँ मिलता है आपको क्रोम गार्निश का, का काम इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो बना रहे हैं इसकी लुक को प्रीमियम यहाँ पर मिलते हैं आपको दो नॉब्स लेफ्ट हैंड साइड नॉब से आप सेट कर पाएंगे टाइम को कुछ इस तरीके से ये क्लस्टर मिलता है आपको 2.5 इंच में एंड राइट हैंड साइड नॉब से आप कई सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर डूबल ट्रिप मीटर्स टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर एवरिस्ट फ्यूल इकोनॉमी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ये फीचर मिलते हैं आपको स्टैंडर्ड सी एन में आपको डिस्टेंस टू एम का फीचर नहीं मिलता जो आपको पेट्रोल वेरियंट्स में देखने को मिल जाता है एंड इसके ड्राइवर साइज सनवाइजर पर मिलता है आपको टिकट होल्डर एक आपको ए पिलर पर भी देखने को मिल जाता है टिकट होल्डर का फीचर ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड लुक जो मिलता है आपको ऑल ब्लैक में एंड दोनों ए पेल एस पे मिलते हैं आपको ट्विटर के लिए प्रोविज़न आप लगवा सकते हैं एज ऐसे ये है बेस मॉडल इधर मिलते हैं आपको नॉब्स ओ आर को एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड टच स्क्रीन सिस्टम भी आप एसेसरी में लगवा सकते हैं यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश ए सी के सराउंडिंग में और इधर है क्रोम एक्सेंड काम हजार लाइट का बटन टच स्क्रीन सिस्टम आप लगवा सकते हैं एसेसरी में यहाँ पे नहीं मिलता ये है पियानो ब्लैक फिनिश ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एशिया पे आप देख सकते हैं मानवल ए मिलता है आपको इधर ये इसकी ब्लोर स्पीड टोटल फोर ए सी मिलेंगे रेयर ए सीवेंट का फीचर नहीं मिलता आपको टाटा टियागो में यहाँ मिलते हैं आपको क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस और इधर है 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट जो मिलता है आपको एक ही पूरी गाड़ी में यूएस बी एन ऑक्स के पोर्ट्स का फीचर अवेलेबल नहीं है डीप स्टोरेज स्पेस मिल जाता है आपको इसके नीचे आप देख सकते हैं फाइव स्पीड मारवल गेरबॉक्स कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको इधर एंड गेयरबॉक्स यूनिट के सराउंडिंग में मिल जाता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इस साइड और यहाँ पर है ग्रे फिनिश लेदर इंसर्ट और यहाँ पर मिलता है आपको एक हुक टू पॉइंट फाइव के जी की मैक्सिमम कपासिटी है इसकी इधर से आप इसको ऐसे ट्रैक कर सकते हैं एंड कर सकते हैं ये फीचर आपको टाटा की हर गाड़ी में देखने को मिल जाता है ये इसका ग्लव बॉक्स किस साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है आपको इधर उस ग्लब बॉक्स का फीचर नहीं मिलेगा आपको इधर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है लैपटॉप होल्डर के लिए भी आपको अलग से स्पेस मिल जाएगा स्पीकर के लिए प्रोविज़न टो पॉकेट मानवल विंडो तीन कप होल्डर मिलते हैं आपको इधर एक छोटे साइज का दो सेम साइज़ के ना मिल जाता है आपको कॉइन होल्डर और उसके पीछे मिलता है आपको बिग साइज़ का कप होल्डर हैंड ब्रेक मिलेगी आपको क्रोम टिप के साथ तो ये सब फीचर्स मिलते हैं आपको टाटा टियागो के एक्सी बेस मॉडल में ये इसका कैबन लुक ऐसी दिखती है गाड़ी वाइट कलर की लमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको बटन्स आइए तो गाड़ी को बंद कर देते हैं डोर हजार वार्निंग की बात करें तो कुछ ऐसी मिलेगी आपको इसकी डोर हजार वार्निंग एंड इसके रियर विनशील्ड पर मिलता है आपको वोकल फॉर लोकल का डेकल और इस लीवर से खोल सकते हैं आप फ्यूल फ्यूलट को थर्टी फाइव लीटर्स की मिलती है आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक कपासिटी सी के साथ मिलेगी आपको सिक्सटी लीटर्स की फ्यूल टैंक कपासिटी आइए इसका इंजन बोनट खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको डैपिंग फॉर बेटर इंसुलेशन और इधर मिलता है आपको 1.2 लीटर का राब्रोट्रॉन पेट्रोल इंजन य है थ्री सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा एट्टी फाइव बी की पावर 113 सौ तेरह एन एम टॉके साथ अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं है एक्साइड की बैटरी मिलती है आपको इधर यह मिलता है आपको फाइव स्पीड मैनुअल गयर बॉक्स या फाइव स्पीड ए एम गेयर बॉक्स के साथ कंपनी मालेश क्लेम करती है ट्वेंटी किलोमीटर पर लीटर की फॉर दानवल एन एम टी गेर बॉक्स बेस मॉडल के साथ आपको ए का फीचर नहीं मिलता लेकिन आपको सी का फीचर मिल जाएगा फिगर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर तो कैसी लगी आपको टाटा टियागो का ये बेस मॉडल कमेंट्स में बताइए वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग